सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे बता रही है कि हमारे मोहल्ले में सुबह से बिजली नहीं है, यानी जहाँ पे ये रहते हैं उस इलाके में सुबह से बिजली चली गई, बिजली नहीं है। तो इस इंग्लिश में हम बोलेंगे देर हैज बीन नो इलेक्ट्रिसिटी इन आर लोकेलिटी सिंस मॉर्निंग, या इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलेंगे बहुत आसान करके, नो पावर सप्लाई इन आवर वेसिनिटी सिंस मॉर्निंग। वेसिनिटी भी मतलब होता है इलाका, मोहल्ला, यानी नो पावर सप्लाई, पावर सप्लाई मतलब बिजली, नो पावर सप्लाई इन आर वेसिनिटी सिंस मॉर्निंग, हमारे मोहल्ले में सुबह से बिजली नहीं है। दोनों ही केस में हम सिंस मॉर्निंग ही बोलेंगे सुबह से के लिए। सुबह 6 बजे से बिजली गई, यानी भाग गए, हम हिंदी में बोलते ना कि सुबह 6 बजे से बिजली भाग गई थी, इंग्लिश में बोलेंगे एट 6 in the morning, यानी सुबह 6 बजे, एट 6 in the morning द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, एट 6 in the morning द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, सुबह 6 बजे से बिजली भाग गई थी, एट 6 in the morning द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। बिजली जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जब बिजली चली जाती है तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे पावर कट्स आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पावर कट्स आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जो पावर जो कट हुई है, यानी बिजली जो चली गई है, उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। पावर कट्स आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या आप ऐसे बोल सकते हो देर आर मैनी ट्रबल्स कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग ऑफ, देर आर मैनी ट्रबल्स, यानी बहुत से ट्रबल्स, बहुत सी परेशानियाँ हुई हैं कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग ऑफ, बिजली के जाने से। बिजली के जाने से क्या कॉज हुआ है, क्या परेशानी हुई है, यानी बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, बिजली कारण बनी है, बिजली का जाना कारण बना है बहुत सारी परेशानियों का। देर आर मैनी ट्रबल्स कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग ऑफ, बिजली जाने से काफ़ी परेशानी हुई है, या आप सिंपली ऐसे बोल दोगे पावर कट्स आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिजली के जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत काम अभी किया जाना बाकी है, यानी बिजली की वजह से काम हुआ नहीं सारा, तो बता रही है कि अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन, अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन, यानी बहुत सा काम अभी किया जाना बाकी है, अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन। अगर आज मैं थोड़ा लेट आ जाऊं तो क्या चलेगा, अपने ऑफिस में फ़ोन कर रही है, यहाँ पे बता रही है कि बिजली बिजली नहीं है, अगर आज मैं ऑफिस में थोड़ा लेट आऊं काम पे तो क्या चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके जब भी हम बोल रहे हैं हम बोलेंगे वुड इट बी ऑल राइट इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टूडे, वुड इट बी ऑल राइट, क्या ऑल राइट रहेगा, यानी सही रहेगा इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टूडे, अगर आज मैं थोड़ा लेट आ जाऊँ। तो हिंदी में हम इस तरीके से कह देंगे कि अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊँ तो क्या चलेगा, वुड इट बी ऑल राइट इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टूडे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इज इट ओके इफ अराइव अ लिटिल लेट टूडे, इज इट ओके, सिंपली हम वुड कभी यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली ऐसे बोल देंगे इज इट ओके इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टूडे, अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊँ तो क्या चलेगा। देखो बहुत ज्यादा यूज होंगे सेंटेंस, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक तो कह रही है कि वुड इट बी ऑल राइट इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टूडे, यहाँ पर हमने बोला वुड इट बी ऑल राइट, है ना, आगे का सेंटेंस सेम है इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टूडे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इज इट ओके इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टूडे, दोनों का मतलब यही है कि अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊँ तो क्या चलेगा, अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊँ तो क्या चलेगा। अब इसको कहने का एक अलग ही भी तरीका है, हम बोलेंगे इफ आई हैपन टू बी लेट, इफ आई हैपन टू बी अ लिटिल लेट टूडे विल इट बी एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर हमने हैपन टू का यूज़ क्यों किया, देखो हैपन टू का यहाँ पे यूज़ किया कि ऐसा हो सकता है, यानी पक्का नहीं है कि मैं लेट ही आऊँगी, मैं टाइम पे आऊँगी, लेकिन अगर ऐसा 1% हो गया कि मैं लेट हो गई तो क्या चलेगा, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है, इसलिए हम बोलेंगे इफ आई हैपन टू, यानी हैपन टू, यानी अगर ऐसा हो गया तो, मतलब पक्का नहीं ऐसा होगा, इफ आई हैपन टू बी अ लिटिल लेट टूडे विल इट बी एक्सेप्टेबल, क्या एक्सेप्टेबल होगा अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊँ, एक तरीका है कहने का। यहाँ पर ये अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं आज छुट्टी कर लूँ, कह रही है कि क्या पता ना हो मेरा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आज मैं छुट्टी कर लूँ, इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें एतराज ना हो इसके लिए बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड आई टेक अ डे ऑफ टूडे, डे ऑफ मतलब छुट्टी, इफ यू डोंट माइंड अगर तुम्हें एतराज ना हो आई टेक अ डे ऑफ टूडे, मैं आज की छुट्टी कर लूँगी। यहाँ पर ये कह रही है कि इफ़ यू आर ओके विद इट, हम ऐसे बोल सकते हैं इफ यू आर ओके विद इट आई विल टेक अ डे ऑफ टुडे, अगर तुमको एतराज ना हो तुम ठीक हो तो मैं छुट्टी कर लूँ आज की, इफ यू आर ओके, अगर तुम ओके हो इस डिसीजन से मेरे, इफ यू आर ओके विद इट, अगर तुम इससे ठीक हो, इससे तुम्हें एतराज नहीं है, आई विल टेक अ डे ऑफ टुडे, या तो हम बोलेंगे इफ यू डोंट माइंड। देखो दोनों देखा करो अच्छे से, जब भी हम इंग्लिश को अच्छे समझेंगे दोनों तरीके कैसे बोल रहे हैं, एक तो हम कह रहे हैं इफ यू डोंट माइंड
आई विल टेक अ डे ऑफ टूडे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, एतराज ना हो तो मैं आज की छुट्टी कर लूँ। ये हम ये थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि इफ़ यू आर ओके विद इट आई विल टेक अ डे ऑफ टूडे। बिजली के जाने की वजह से पानी की सप्लाई भी रुक गई है। बता रहे हैं कि बिजली की वजह से क्या हुआ कि पानी की सप्लाई भी रुक गई है ड्यू टू अ पावर आउटेज। ड्यू टू अ पावर आउटेज यानी बिजली के जाने से द वाटर सप्लाईज हैज़ ऑल्सो बीन डिस्टर्बेड। डिस्टर्बेड डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो गई है मतलब रुक गई है। ड्यू टू अ पावर आउटेज द पावर सप्लाई हैज़ ऑल्सो बीन डिस्टर्बेड यानी बिजली के जाने से की वजह से पानी की सप्लाई भी रुक गई है। इस वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन यानी इस रीजन की वजह से, इस वजह से आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टूडे। ड्यू टू दिस रीजन आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टूडे। इस वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। देखो यहाँ पर कम का यूज़ किया है हमने आने के लिए, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हम कम का यूज़ नहीं करते, हम मेक इट का यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हम कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। और किससे हम बताते हैं, तो हम एक तो ऐसे कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस रीजन आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टूडे, लेकिन जो एडवांस तरीका उसमें मैं से बोलेंगे बिकॉज ऑफ दिस आई वोंट मेक इट टू वर्क टूडे। मेक इट का भी हाँ मतलब पहुंचने से ही है, मेक इट का जहां पे भी इस तरीके से यूज हो रहा है पहुंचने से ही है। बिकॉज ऑफ दिस इस वजह से आई वोंट मेक इट टू वर्क टूडे, यहां पर ही बता रही है ना कि बिजली की वजह से पानी की सप्लाई भी रुक गई, तो कह रही है कि बिकॉज ऑफ दिस इस वजह से आई वोंट मेक इट टू वर्क टूडे, मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। ये हम बोलेंगे आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टूडे। अब आपकी जैसी इंग्लिश है उस हिसाब से आप सिंपल का भी यूज कर सकते हो और एडवांस का भी। और अगर मैं आई भी तो लेट हो जाऊंगी। अब देखो इस सेंस को समझो, कह रही कि मैं नहीं आ पाऊंगी, और अगर मैं आई भी तो लेट हो जाऊंगी। आई भी तो इसके लिए मैंने इन केस आई हैपन टू कम, इन केस आई हैपन टू कम यानी चांस नहीं है, अगर आ गई 1% ऐसा हुआ, इन केस आई हैपन टू कम आई माइट बी लेट। इन केस आई हैपन टू कम आई माइट बी लेट, और अगर मैं आई भी तो लेट हो जाऊंगी। या ऐसे बोलेंगे एंड इफ आई हैपन टू कम, देखो यहां पर हमने इन केस का यूज किया, इन केस आई हैपन टू कम अगर मैं आई भी, आई माइट बी लेट तो मैं लेट हो जाऊंगी। यहां पर हम इन केस की जगह इफ का भी यूज कर सकते हैं, एंड इफ आई हैपन टू कम, और अगर मैं आती हूँ आई विल बी लेट तो मैं लेट हो जाऊंगी। इफ आई हैपन टू कम, अगर मैं आती भी हूँ आई विल बी लेट तो मैं लेट हो जाऊंगी। अगर तुम्हें रास्ते में टॉम मिले, कहना मैं उसका घर पर इंतजार कर रही हूँ। देखो फिर से हम यहाँ पे हैपन टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पक्का नहीं पता कि टॉम मिलेगा। 1% अगर टॉम मिल गया तो कह रही कि इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे, अगर रास्ते में कहीं जा रही है, इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में टॉम मिले, हैपन का यूज, हैपन टू का यूज कर रहे हैं हम। इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में टॉम मिले, प्लीज लेट हिम नो आई एम वेटिंग फॉर हिम एट हिज हाउस, उससे बता देना कि मैं उसके घर पर उसका इंतजार कर रही हूँ। या आप ऐसे भी कह सकते हो फ्रेजल वर्ब का यूज करके, इफ यू कम अक्रॉस टॉम वाइल ऑन द रोड, यानी तुम रोड पर चल रही हो, अगर तुम टॉम से अचानक से मिलती हो, कम अक्रॉस भी मतलब होता है अचानक से मिलना। इफ यू कम अक्रॉस टॉम वाइल ऑन द रोड, अगर तुम रोड पर टॉम से मिलती हो, टेल हिम, उससे कहना आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर हम हैपन टू का भी यूज कर सकते हैं, इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे, यहाँ पर अगर तुम टॉम से मिलती हो, 1% ऐसा होता है, तो अगर मैं लेट हुआ तो फोन करके बता दूंगा। अगर मैं लेट हुआ यानी चांसेस नहीं है कि मैं लेट होऊंगा, अगर 1% हुआ, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इफ आई हैपन टू बी लेट आई लेट यू नो, मैं तुम्हें खबर कर दूंगा बाय गिविंग यू अ कॉल, एक कॉल करके। इफ आई हैपन टू बी लेट, अगर मैं लेट हुआ, आई लेट यू नो बाय गिविंग यू अ कॉल, मैं तुम्हें कॉल करके खबर कर दूंगा। तो मैं हैपन टू ज्यादा जान के यूज कर रहा हूँ ताकि आप भी इनका यूज करने लगो। अगर मैं लेट हुआ तो फोन करके बता दूंगा, हैपन टू की जगह हम बोल सकते हैं इफ आई गेट डिलेड, अगर मुझे डिले हुआ, अगर मैं डिलेड हुआ, इफ आई गेट डिलेड, अगर मैं लेट हुआ, आई कॉल, मैं कॉल कर दूंगा, लेट यू नो, और तुम्हें खबर कर दूंगा। इफ आई गेट डिलेड आई कॉल एंड लेट यू नो, अगर मैं लेट हुआ तो मैं कॉल करके खबर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे कहने से एक बार और देख लेना अगर आपके पास समय है, अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।